आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऊष्मा के बारे में समझेंगे। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं में या वस्तुओं को गर्म या ठंडा करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऊष्मा गर्माहट या ठंडेपन की संवेदना को उत्पन्न करने वाला एक भौतिक कारक है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। कभी आप देखिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, वह उसमें उपस्थित ऊष्मा के कारण से होता है। यानी ऊष्मा यदि अधिक होगी तो वो गर्म वस्तु रहेगा, ऊष्मा कम रहेगी तो ठंडा रहेगा। अब देखते हैं हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान जो होता है पदार्थ के उष्णता के कोटि को ही उसका ताप कहते हैं। और इसका SI मात्रक कैल्विन होता है। कि कोई वस्तु गर्म है यानी कि गर्माहट है उसमें या ठंडापन है, उसे मापा किससे जाता है? तो तापमापी द्वारा, और वो ताप को रिप्रेजेंट करता है। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट है कि ताप में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यदि ऊष्मा ज़्यादा होगा तो ताप बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से। उसी तरह से उसके आकार या रूप या आकार में जो है परिवर्तन आ जाता है। वस्तुओं की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आता है। वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। ऊष्मा के संचरण यानी इसकी तीन विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन क्या होता है? जब ऊष्मा ठंडे वस्तु से किसी पदार्थ से कण के माध्यम से उसके कण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह करता है तो उसमें कहते हैं कि ऊष्मा का चालन। यह ठोस पदार्थ में होता है। यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें कण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। संवहन में क्या होता है कि संवहन पदार्थ में उपस्थित जो अणु होते हैं वह गति करके एक जगह से दूसरे जगह पर ऊष्मा को भेजते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो हवा में और उसी प्रकार से जल में। ये हवा और जल दोनों में ही क्या होता है? संवहन के द्वारा ही ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। अब आता है हमारा विकिरण। तो विकिरण रेडिएशन है इसका मतलब। और इसमें क्या होता है कि किसी माध्यम के बिना ही, कोई माध्यम बीच में ना हो उसके बिना ही एक जगह से दूसरे जगह होगा। कोई भी माध्यम बीच में नहीं रहेगा, जैसे कि सूर्य से हम तक जो ऊष्मा आती है जिसमें कि कोई भी माध्यम नहीं रहता है, बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई ठोस या गैस नहीं रहता है, फिर भी हम तक जो है ऊष्मा पहुँच जाती है। तो ये किस विधि के द्वारा पहुँच जाती है? विकिरण विधि द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।